आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटो जी 13 वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 30 आई के बारे में और जानने वाले कि इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग करते हैं दोनों की डिस्प्ले के साथ। तो जहां आपको मोटो का जी 13 ऑफर करता है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपकी 270 PPI पर बेस है, IPS LCD पैनल है और 90Hz के रिफ्रेश रेट के पर आता है। वहीं आपको इन्फिनिक्स ऑफर करता है 6.6 इंचेस की HD प्लस वाली डिस्प्ले जो कि आपकी 267 PPI पर बेस है, IPS LCD पैनल है और 90Hz के रिफ्रेश रेट पर आता है। डिस्प्ले वाइज दोनों ही फोन आपके सिमिलर हो जाते हैं। प्राइस के बारे में बात करें तो आपके मोटो के G13 का प्राइस होने वाला है लगभग 10,000 रुपए, जहां कंपनी ऑफर करेगी 4GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी। वहीं आपके इन्फिनिक्स के हॉट 30 आई का प्राइस होने वाला है 9,000 रुपये जो कि लॉन्चिंग है, जिसमें कंपनी ऑफर करेगी 8GB रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी। एंड इसके बाद जो इसका प्राइस है वो आपका 11,000 रुपीज हो जाएगा। एंड अब आप जब बात करते हैं उनके कैमरे के बारे में तो दोनों ही फोन में आपको 50+2 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं, लेकिन मोटो G13 आपको 2MP का एक एक्स्ट्रा कैमरा देता है। और फ्रंट में आपको मोटो G13 ऑफर करता है 8MP का फ्रंट कैमरा और वहीं इन्फिनिक्स ऑफर करता है 5MP का फ्रंट कैमरा। कैमरे वाइज नो डाउट दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आ जाते हैं। जब आप बात करते हैं उनकी बैटरी को लेकर तो दोनों के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। अब फाइनली बात आती है कि किस फोन का प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है। तो आपको मोटो का G13 ऑफर करता है मीडियाटेक का हेलियो G85, वहीं आपको इन्फिनिक्स का हॉट 30 आई ऑफर करता है मीडियाटेक का हेलियो G37 और दोनों ही ऑक्टो कोर प्रोसेसर है और 4G कनेक्टिविटी के ऊपर आते हैं। अब बात आती है कि हमें किसे बाय करना है। सीधी बात जान लो, आपका मोटो का G13 मच बेटर है इन्फिनिक्स हॉट 30 आई से। एंड ऑफ कोर्स मेरी तरफ से जो आपका मोटो G13 है वो आपका एक अच्छा फोन है।